नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये मिनिमलिस्ट एम्ब्रॉयडरी आर्ट या लाइन आर्ट। पिंटरेस्ट पर या होम डेकोर वेबसाइट्स पर इस तरह के मिनिमलिस्ट आर्ट, लाइन आर्ट या आप कह सकते हैं बोहेमियन आर्ट आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। तो चलिए हम भी इस आर्ट को बनाना सीख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए कॉटन का कपड़ा, एम्ब्रॉयडरी लूप, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स, नीडल्स, एक्रेलिक कलर्स और पेंटिंग ब्रशेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कितना कपड़ा चाहिए, तो रिंग की साइज के हिसाब से हम कपड़ा कट कर लेंगे। फिर हम कपड़े को लूप में अटैच करेंगे और अच्छे से टाइट कर देंगे। उसके बाद हम एक पेंसिल की मदद से एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें कपड़े के ऊपर पहले पेंटिंग करनी है, तो हम इस आउटलाइन को मार्क कर लेते हैं। फिर हम कपड़े को लूप में से निकाल लेंगे, नहीं तो लूप में कलर लग जाएगा, और इस कपड़े को एक बोर्ड के ऊपर अटैच कर देंगे। अगर आप लूप में लगा कर ही कपड़े पर पेंट करना चाहते हैं तो लूप को अच्छे से मास्किंग टेप से या सेलो टेप से कवर करना पड़ेगा। जैसा कि इस आर्ट का नाम मिनिमलिस्ट आर्ट है, तो ये आर्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें इस कपड़े के बैकग्राउंड को अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करना है और उन्हें अलग कलर से कलर करना है। आप चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो फ्री हैंड ड्रॉ करके भी अलग अलग पोर्शंस बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह ज्योमेट्रिक शेप्स बनाने के लिए स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने एक स्लैंटिंग लाइन बनाया है, एक कर्व बनाया है और एक छोटा सा सर्कल बनाया है। अब इन तीनों एरियाज को मैं अलग अलग कलर्स से कलर कर दूंगी। कलर्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ एक्रेलिक कलर्स या फैब्रिक कलर्स। इस तरह का एम्ब्रॉयडरी आर्ट टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। मुझे भी ये आइडिया बहुत पसंद आया था और मैंने सोचा था कि मैं भी इसे ट्राई ज़रूर करूँगी, लेकिन मैंने थोड़ा अपने हिसाब से इसे चेंज किया है। ये मिनिमलिस्ट आर्ट काफ़ी यूनिक है और साथ ही ये बहुत ज़्यादा इजी भी है। तो अगर आपने अपने घर को मॉडर्न स्टाइल में डेकोरेट किया है, तो इस तरह के एम्ब्रॉयडरी आर्ट को भी आप अपने होम डेकोर में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लाइट ब्राउन कलर बनाया था डार्क ब्राउन में व्हाइट मिक्स करके, बट कलर की क्वांटिटी कम पड़ गई, तो देखिए लास्ट में मुझे डार्क ब्राउन ऐड करना पड़ रहा है और इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये ख़राब ना दिखे। तो अगर आप कोई शेड प्रिपेयर करते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए, वरना मेरी तरह कम पड़ जाएगा। इसके बाद मुझे येलो कलर करना है, तो पानी चेंज करना मत भूलिएगा, क्योंकि कभी कभी हमें ब्रश को डिप करना पड़ सकता है पानी में। तो पेंटिंग करने के बाद कपड़े को एटलीस्ट 4 से 5 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कीजिए। लेकिन मैं हमेशा किसी भी फैब्रिक पे अगर पेंट करती हूँ तो 24 घंटे के लिए सूखने देती हूँ, फिर चाहे वो कुर्ती बनाने का कपड़ा हो या इस तरह का छोटा वॉल हैंगिंग बनाने का कपड़ा। तो जब तक हमारा पेंट सूखता है, हम एम्ब्रॉयडरी के बारे में बात कर लेते हैं। इस तरह के मिनिमलिस्ट लाइन आर्ट में सबसे सिंपल और ईजी एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस यूज़ किए जाते हैं। सबसे बेसिक जो एम्ब्रॉयडरी स्टिच है वो है रन स्टिच और बैक स्टिच। रन स्टिच में देखिए, हम सिंपली सुई को एक बार कपड़े के नीचे लेते हैं और एक बार ऊपर उठाते हैं, फिर नीचे लेते हैं, फिर ऊपर लेते हैं, और इस तरह से हमें ये रनिंग वाली लाइन मिल जाती है। इसमें देखिए, धागा थोड़ा ऊपर होता है और थोड़ा नीचे होता है, कंटिन्यूस लाइन नहीं होती, टूटी टूटी सी लाइन होती है, जबकि बैक स्टिच में हमें कंटिन्यूस लाइन मिलती है, गैप नहीं दिखाई देता। तो इन दोनों स्टिचेस को यूज़ करके कैसे हमें ये वॉल आर्ट बनाना है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आज का प्रोजेक्ट मैं बैक स्टिच यूज़ करके सिखा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में रन स्टिच यूज़ करके सिखाऊंगी। तो देखिए, 24 घंटे बाद ये बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। अब हम इसके ऊपर जो हमारी ड्राइंग है या जो हमारा स्केच है उसे ट्रेस करेंगे। ये ड्राइंग आइडिया मैंने गूगल से ही लिया है, मैंने इसे फ्री हैंड ड्रॉ किया है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है फ्री हैंड ड्राइंग में, तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। बस यही ध्यान में रखिए कि ड्राइंग का जो साइज है वो आपके एम्ब्रॉयडरी लूप के साइज से छोटा हो। मैंने ट्रेसिंग के लिए यहाँ पे येलो कार्बन पेपर का यूज़ किया है, इससे लाइंस काफ़ी हल्की आती हैं, लेकिन देखने के लिए ये बिल्कुल सही रहता है। ब्लू कार्बन पेपर से जो है कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। हो सकता है कि ये येलो लाइन कैमरे में विजिबल ना हो, लेकिन आमने सामने ये अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो आगे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अब कपड़े को हम लूप में अच्छे से टाइट करके अटैच कर लेंगे। तो इस लाइन आर्ट में हमें क्या करना है कि डार्क कलर वाले पोर्शन पे हमें लाइट कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी करनी है और लाइट कलर वाले पोर्शन पे हमें डार्क कलर थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी करनी है। अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी एक पतली सी सुई ले लीजिए जिससे आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे। थ्रेड्स आप अपने पसंद से ले लीजिए, मैंने एंकर ब्रांड के कॉटन थ्रेड्स लिए हैं। तो जो डिज़ाइन हमने ट्रेस किया था ब्राउन कलर के ऊपर, उसका जो पोर्शन आ रहा है वो मैं येलो कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं यहाँ सिर्फ बैक स्टिच का यूज़ करके एम्ब्रॉयडरी करूँगी, तो ब्राउन पोर्शन पे मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली है। अब मैं आपको पिंक वाले पोर्शन पर बैक स्टिच को डिटेल में सिखाती हूँ। जैसा डिज़ाइन ट्रेस किया हुआ है उसके एक एंड पर सुई को नीचे से इंसर्ट करके ऊपर लाएंगे। डिज़ाइन को फॉलो करते हुए एक छोटी सी स्टिच बनाने के लिए थोड़ी ही दूर पर सुई को नीचे इंसर्ट करेंगे। देखिए हमारी पहली स्टिच बन गई। फिर थोड़े डिस्टेंस पर सुई को ऊपर लाएंगे। अब यहाँ से हमारी बैक स्टिच स्टार्ट होगी। जिस भी पॉइंट पे हमने धागा निकाला है, मान लीजिए पॉइंट पी, उस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा बैक आकर सुई को इंसर्ट करेंगे। मान लीजिए वो पॉइंट है ओ, तो ओ पर इंसर्ट करेंगे और पॉइंट पी के थोड़ा आगे जाकर सुई को ऊपर लाएंगे, तो पॉइंट क्यू पे हमने सुई को ऊपर निकाला। यही है हमारा बैक स्टिच। अब हमारी थ्रेड पॉइंट क्यू पे है, तो बैक आकर हम पॉइंट पी पे सुई को इंसर्ट करेंगे और पॉइंट आर से ऊपर लाएंगे। तो इसी तरह से हम ट्रेस किए हुए डिजाइन के अकॉर्डिंग बैक स्टिच करते हुए एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करेंगे। पिंक कलर वाले पोर्शन पे जितना भी डिज़ाइन ट्रेस किया हुआ है उसे मैंने ये डार्क ब्लू थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी किया है। सेम इसी तरह से मैं ऑफ वाइट वाले पोर्शन पे ब्लैक थ्रेड से बैक स्टिच कर रही हूँ। ब्लैक कलर का एम्ब्रॉयडरी थ्रेड नहीं था मेरे पास, तो मैंने जो सिंपल धागा आता है उसी के 3-4 स्ट्रैंड्स को एक साथ इकट्ठे ले लिया है और उसी से बैक स्टिच कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप बैक स्टिच करना सीख गए होंगे, तो इसी तरह से पूरे डिज़ाइन पर एम्ब्रॉयडरी कर लीजिए। अब आगे का पार्ट सेम ही है, रिपीटेटिव है, तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो ये प्रोजेक्ट डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट फाइनली इतना खूबसूरत आउटकम भी तो आता है। देखिए लास्ट में मैंने येलो पोर्शन पर भी डार्क ब्लू थ्रेड से बैक स्टिच किया है और यहाँ पर मेरा वॉल हैंगिंग कम्प्लीट होता है। अब इसे एक फिनिश्ड लुक देने के लिए हम इसको पीछे पलट कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और सुई धागे से इस कपड़े को राउंड करके स्टिच कर देंगे और टाइट करके बांध देंगे ताकि ये साइड के कॉर्नर्स कभी सामने की तरफ ना आए। और सामने से देखिए अब ये बिल्कुल फिनिश्ड लुक दे रहा है। ये मिनिमलिस्ट एम्ब्रॉयडरी आर्ट एक सिंपल लेकिन यूनिक सा आर्टवर्क है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नया आर्टवर्क सीखने के लिए। तब तक के लिए डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।